भारत माता की। मंच पर विराजमान, संसद में मेरे साथी और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष युवा नेता श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य, हम सबके मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी साध्वी निरंजन ज्योति जी, संसद में मेरे साथी श्री ओम जी, श्री देवेंद्र सिंह जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान राजीव प्रताप रूड़ी जी, विधायक एवं महासचिव श्री सलील बिश्नोई जी, प्रदेश सचिव श्रीमान स्वतंत्र देव पटेल जी, श्रीमान विजय बहादुर पाठक जी, मानवेंद्र सिंह जी, कौशलेंद्र सिंह पटेल, बाबूराम निषाद, श्रीमती कृष्णा पासवान जी, प्रकाश शर्मा जी, सुरेंद्र मैथानी जी, अरुण पाठक जी, राहुल अग्निहोत्री जी, सत्यदेव पचौरी जी, श्रीमती अनीता गुप्ता जी, श्री रघुनंदन भदौरिया जी, रामशरण कटियार जी, सतीश महाना जी, श्रीमान हरद्वार दुबे जी, और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिछले कुछ दिनों में मुझे उत्तर प्रदेश में जहां जहां जाने का सौभाग्य मिला है, मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर नहीं, परिवर्तन की आंधी चल पड़ी है। आंधी चल पड़ी, ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश का हर नागरिक परिवर्तन का संकल्प पूर्ण करने के लिए जी जान से जुट गया है। भाइयों बहनों, आपके बीच आने से पहले मुझे भारत सरकार के कार्यक्रम में शरीक होना था, यहीं पर पास में ही उस कार्यक्रम का समारोह था। अनेक प्रकार की नई योजनाएं, खास करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, देश के नौजवान जिसके पास ऊर्जा है, ऐसे ऊर्जावान नौजवानों के हाथ में अगर हुनर आ जाए तो मेरा देश का ऊर्जावान नौजवान पूरे भारत को नई ऊर्जा दे सकता है, नई गति दे सकता है, विकास की नई उड़ान दे सकता है। और इसलिए आज यहां पर स्किल डेवलपमेंट के अनेक योजनाओं का आरंभ किया है। पूरे देश में भी अनेक कार्यक्रमों को
आज लॉन्च किया गया है। देश और दुनिया में आने वाले दिनों में जिनके पास युवा धन है, युवा शक्ति है, वे विश्व में अपनी ताकत दिखा सकता है, अपना अस्तित्व दुनिया के लिए उपकारक सिद्ध कर सकता है। भारत आज सौभाग्यशाली है कि भारत के पास 35 से कम आयु की संख्या 65% से ज्यादा है। जो देश नौजवान हो, जिस देश के पास ऊर्जावान युवा हो, वह देश दुनिया के सामने अपनी ताकत का परिचय करवा सकता है। लेकिन वो तब संभव होता है जब उसके हाथ में हुनर हो, काम का अवसर हो, देश में गति हो, विकास की उड़ान हो। तो भाइयों बहनों, भारत में गरीबी को खत्म करने में देर नहीं लग सकती। भाइयों बहनों, ये ताकत मेरे देश के युवा में है। आज हमने गैस पाइपलाइन का भी लोकार्पण किया, बिजली के लिए एक सबस्टेशन का भी लोकार्पण किया। ये प्रोजेक्ट एक प्रकार से ऊर्जा के प्रोजेक्ट है, एनर्जी के प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भी आर्थिक बदलाव लाने में ऊर्जा का काम करते हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, ये उत्तर प्रदेश का अधिकार है, ये उत्तर प्रदेश का गौरव है कि उत्तर प्रदेश ने देश को स्थिर सरकार देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। 30 साल तक देश में स्थिर सरकार नहीं थी, समझौते से गाड़ी चल रही थी, निर्णय नहीं होते थे, पूरी देर एक को संभालो तो दूसरा नाराज, दूसरे को संभालो तो तीसरा नाराज, वो अपनों को संभालने में लगे, देश को संभालने के लिए उनके पास समय नहीं था, देश को संभालने के लिए उनकी प्रायोरिटी नहीं। भाइयों बहनों, आज दिल्ली में आपने ऐसी सरकार बनाई है जो सरकार गरीबों को समर्पित है। पहले दिन से हमने जो जो योजना लाए हैं, वो सारी योजनाएं इस देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, माताएं, बहनें, युवा, उन्हीं के जीवन में बदलाव लाने के लिए हमारी सभी योजनाएं केंद्रित है। मैं हैरान हूं, एक तरफ हम देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, काले धन से देश को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा एजेंडा है भ्रष्टाचार बंद हो, हमारा एजेंडा है काला धन बंद हो, लेकिन उनका एजेंडा है
संसद बंद हो, संसद बंद हो, संसद बंद हो। पूरा महीना संसद चलने नहीं दी। ये संसद क्यों चलने नहीं दी भाई? पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं की? राष्ट्रपति के कहने के बाद भी हो हल्ला करते रहे, नारे बुलाते रहे। ये इसलिए करते थे कि जिन मुद्दों पर सरकार चर्चा चाहती थी इससे वो भाग रहे थे, डर रहे थे। अब तक जिन्होंने सरकारें चलाई है उनके लिए हिसाब देना जरा महंगा पड़ रहा था, और इसलिए संसद में हो हल्ला करो, नारेबाजी करो, स्पीकर महोदय पर कागज के टुकड़े फेंको, यही काम करते रहे। अरे म्युनिसिपैलिटी में चुने हुए लोग भी ऐसा व्यवहार करने से पहले 50 बार सोचते हैं। देश की संसद को, उसकी गरिमा को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए चोट पहुंचाने का प्रयास मेरे देशवासियों, ये बातें सामान्य नहीं है, गंभीर है। देशवासियों को समझना होगा। संसद पहले भी रुकती थी, संसद में पहले भी रुकावटें आती थी, लेकिन तब रुकावटें आती थी क्योंकि विरोधी दल मिलकर के बेईमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते थे, घोटालों को उजागर करना चाहते थे, घोटाले बाजों को सजा मिले इसकी मांग कर रहे थे, और इसलिए कभी कभी संसद में व्यवधान आते थे। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि बेईमानों की मदद करने के लिए कुछ लोग संसद में नारे बोल रहे थे। सरकार सरकार बेईमानों को ठिकाने लगाने में लगी थी, विरोधी दल बेईमानों को बचाने के लिए एकजुट हो रहे थे। देश आज दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ मुट्ठी भर वो नेता है जो काले धन को, भ्रष्टाचार को, बेईमानी को बचाने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ पूरा हिंदुस्तान है जो ईमानदारी के रास्ते पर चलने के लिए कुछ भी सहने को तैयार है। भाइयों बहनों, ये भ्रष्टाचार, ये काला धन, काला मन, काला कारोबार, यही है जिसने मध्यम वर्ग का शोषण किया है और गरीबों के हक को छीना है। भाइयों बहनों, आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जो गरीबों को हक दिलाना चाहती है, जो मध्यम वर्ग को शोषण से मुक्त कराना चाहती है, जो देश में ईमानदारी के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है, और देशवासी जिस ईमानदारी के लिए पहचाने जाते हैं उसको लेकर के एक नई ताकत खड़ी करना चाहती है। लेकिन भाइयों बहनों, जिनको आदत बेईमानी की पड़ी है, जिनको आदत गलत काम करने की पड़ी है, उनसे अब देश ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकता है। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परिवर्तन की आग, ये परिवर्तन की ललक, पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी क्यों आई है? यहां के लोग गुंडागर्दी से तंग आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं।
हर कोई गुंडागर्दी कर रहा है, सरकार में बैठे लोग गुंडागर्दी करने वालों को सह दे रहे हैं। भाइयों, तो सामान्य मानवीय जाएगा कहां? उसका मकान छीन ले, उसकी जमीन छीन ले, वो जाएगा कहां? भाइयों बहनों, जब तक लखनऊ में सरकार नहीं बदलोगे, ये गुंडागिर्दी करने वाले ठिकाने नहीं लगने वाले। सामान्य मानवीय को परेशान करने वाले लोग चुप बैठने वाले नहीं है, और इस चुनाव में भी ये गुंडागिर्दी पालने वाले और गुंडागिर्दी करने वाले बेखौफ होकर के चुनाव में अनाप शनाप सब कुछ करने पर तुले होंगे, लेकिन ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हिंदुस्तान का नेक दिल इंसान उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए संकल्पबद्ध होकर के परिवर्तन ला करके रहने वाला है, ये मैं साफ देख रहा हूं। भाइयों बहनों, मैं आज हमारे देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करता हूं। उन्होंने देश के राजनीतिक दलों को भी काले धन से मुक्ति के लिए आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। भाइयों बहनों, संसद के सत्र के पहले ऑल पार्टी मीटिंग में सभी राजनीतिक दलों के सभी वरिष्ठ नेताओं के बीच में मैंने उनके सामने आग्रह से कहा था कि देश ईमानदारी चाहता है, देश ईमानदारी के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है। राजनीतिक दल, राजनेता, उनके प्रति जनता के दिल में अविश्वास भरा पड़ा है। लोकतंत्र में हम राजनेताओं की, राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी है कि हम जनता को ईमानदारी का विश्वास दिलाएं। और मैंने कहा था कि इस बार संसद में हम खुल करके चर्चा करें, दो विषयों पर खुल करके चर्चा करें कि पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक दल, उनको चंदा कैसे मिलना चाहिए, ये चंदे का हिसाब किताब कैसे होना चाहिए, देश की जनता के सामने ये चंदे के संबंध में राजनीतिक दलों पे जो उंगलियां उठी रही है, क्या देश की जनता की इच्छा आकांक्षा के अनुकूल हम मिलकर के कोई रास्ता खोज सकते हैं कि नहीं खोज सकते, ये बात मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में कही थी। और मैंने आग्रह किया था कि सदन में इसकी चर्चा होनी चाहिए। मैंने दूसरी बात कही थी जो हमारे देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भी अभी उसका उल्लेख किया, आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी ने कहा कि हमारे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग होते हैं, उसके कारण देश पर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है, काले धन के कारोबार को अवसर मिल जाता है, क्यों न देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ कराने का वातावरण क्यों न बनाया जाए, व्यवस्था क्यों न खड़ी की जाए। आए दिन चुनावों के कारण गांव गांव में तनाव पैदा हो जाता है, सारी विकास की यात्रा रुक जाती है। अगर पांच साल में एक बार चुनाव हो, पांच साल सब सरकारें जो भी चुनकर आए वो काम करे। मैंने सभी पार्टियों को कहा था उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सदन चलने नहीं दिया गया, क्योंकि ये दोनों बातें ऐसी थी कि जिससे ये चर्चा में भाग लेना नहीं चाहते थे। भाइयों बहनों, मैं इलेक्शन कमीशन से फिर से आग्रह करता हूं,
किस बात को आगे बढ़ाए, देश के राजनीतिक दलों पर दबाव पैदा करे, सबसे मिलकर के चर्चा करके करे और हमारी सरकार जो फैसला होगा, जो जनता के हित में होगा, ईमानदारी के पक्ष में होगा, उसको तुरंत लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई हर प्रकार से हमें जीतनी है। भ्रष्टाचार और काले धन से देश को मुक्त कराना है। हमारे देश की बर्बादी के मूल में यही बीमारी है जिसने गरीब को गरीब रहने के लिए मजबूर किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आवश्यक है कि हम इस लड़ाई में एक सिपाही बन करके देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। भाइयों बहनों, आठ नवंबर को हमने नोटबंदी का निर्णय किया। आप जानते हैं कैसे कैसे लोगों के पसीने छूट गए हैं, जिन्होंने गरीबों का लूटा है वे आज परेशानियां झेल रहे हैं, रास्ते खोज रहे हैं। गरीबों के घर जाकर के कतार लगा के खड़े हो गए थे कि मेरे पैसे हैं, कुछ तुम रख लो, बैंक में जमा कर दो ताकि मैं बच जाऊं। भाइयों बहनों, जब हजार की नोट थी तो सौ की नोट को कोई पूछता नहीं था, अब हजार और 500 की चली गई तो सौ वालों की ताकत बढ़ गई, ताकत बढ़ गई। वो भी दिन थे जब बड़े बड़े लोगों की पूछ होती थी, छोटे लोगों को पूछता नहीं था, अब छोटी नोट भी पूछी जाती है, पूजी जाती है, छोटे लोग भी पूछे जाते हैं, पूजे जाते हैं, ये बदलाव आया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी 35 साल पहले जो कानून बनाया था पॉलिटिकल पार्टियों के हिसाब किताब के संबंध में, हमारी सरकार ने उसमें फुल स्टॉप कॉमा को भी हाथ नहीं लगाया है। और कल मैंने देखा कांग्रेस के नेता हमें बदनाम करने के लिए उछल पड़े थे। मैं जरा कांग्रेस वालों को याद कराना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के लोग सीना तान करके मीडिया के सामने बोलते थे, बेशर्मी के साथ बोलते थे, जब सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, परमानेंट कोषाध्यक्ष थे, और सीताराम केसरी कैसे कोषाध्यक्ष थे तो खुद कांग्रेस के लोग बोलते थे, न खाता न वही, जो केसरी कहे वो ही सही, न खाता न वही, केसरी कहे वो ही सही, ये तो उनके हिसाब किताब के तरीके थे। देश की जनता को कभी हिसाब न देना, भ्रष्टाचार पनपे तो पनप देना, खुद के फायदे में जो हो वो करते रहना, इसी का परिणाम है कि देश तबाह हो गया है। भाइयों बहनों, हम विकास की नई ऊंचाइयों पर देश को ले जाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, आजादी के 70 साल बाद उत्तर प्रदेश में इतनी सरकारें आके गई, इतने सारे प्रधानमंत्री बने उत्तर प्रदेश से, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में करीब करीब 1500-1600 गांव ऐसे हैं जहां पर 21वीं सदी में भी बिजली का खंभा नहीं पहुंचा,
बिजली का तार नहीं पहुंचा, बिजली का लट्टू नहीं लगा। क्यों भाई? मेरे उत्तर प्रदेश के उन 1500-1600 गांवों का क्या दोष है कि उनको 18वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर किया गया? क्या कारण है? भाइयों बहनों, मैंने लाल किले पर से आह्वान किया था पिछले वर्ष, और मैंने कहा था 1000 दिन में हिंदुस्तान के जो 18000 गांव, जिसमें उत्तर प्रदेश के 1500-1600 गांव है, 1000 दिन में मैं बिजली पहुंचा दूंगा। भाइयों बहनों, आज बड़े संतोष के साथ मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों को मैं कहना चाहता हूं, जो 1500-1600 गांव थे उसमें अब 70-72 गांव बाकी रहे हैं, बाकी गांवों में बिजली पहुंच गई, लोगों ने बिजली घरों में लेना शुरू कर दिया। भाइयों बहनों, जो 70-72 गांव बाकी रहे हैं उसमें भी 50 गांव ऐसे हैं जहां कोई लोग ही नहीं रहते, सिर्फ कागज पर गांव का नाम बचा है। एक प्रकार से सिर्फ 20-22 गांव बाकी हैं जिसका काम तेजी से चल रहा है। अगर यहां की सरकार रुकावट न डाले तो वो काम भी बहुत तेज गति से पूरा कर देंगे। ये मैं हिसाब आपको दे रहा हूं। भाइयों बहनों, एक समय था गैस का कनेक्शन लेना हो, गैस सिलेंडर लेना हो, तो कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। ये माताएं बहनों ने तो कभी सोचा भी नहीं था, गरीब माँ बाप बहनों ने, कि कभी उनके घर में भी गैस का चूल्हा होगा, गैस का सिलेंडर होगा, और फटाक से खाना पका करके, खाना बच्चों को खिला करके रोजी रोटी कमाने के लिए जा पाएंगे, कभी सोचा तक नहीं। हमने बीड़ा उठाया है, 3 साल के भीतर भीतर हिंदुस्तान के गरीब परिवारों में गैस का कनेक्शन देना, गैस का सिलेंडर पहुंचाना, और लकड़ी के चूल्हे से शहद बर्बाद हो रही मां बहनों को बचाने का हमने बीड़ा उठाया है। और आज अकेले उत्तर प्रदेश में लाखों परिवारों में कोई भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं है, कोई भाई भतीजेवाद की शिकायत नहीं है, कोई जातिवाद की शिकायत नहीं है, जिसका भी नाम गरीबी की रेखा के नीचे रिकॉर्ड पर लिखा है, 35 लाख से ज्यादा लोगों के घरों में गैस का कनेक्शन पहुंच गया, गैस का चूल्हा जलने लग गया, बच्चों को अच्छा खाना मिलना शुरू हो गया। भाइयों बहनों, अगर काम करना चाहे तो काम कैसे हो सकता है, इसका ये उदाहरण आप दे सकते हैं। भाइयों बहनों, ये उत्तर प्रदेश कोई साल ऐसा नहीं जाता है जबकि गन्ना किसान परेशान न होता हो, मिले समय पर चालू न होना, गन्ना किसानों को पैसा नहीं मिलना, मिले देर से चालू करने के कारण गन्ने का वेट कम होता है, मिलों वालों को मुनाफा होता है। पहली बार भाइयों बहनों समय पर मिले चालू हुई है, और गन्ना किसानों के 2013-14-15 में जो बकाया राशि 20-22 हजार करोड़ थी, उसको भुगतान करने में हमारी सरकार ने सफलता पाई है। भाइयों बहनों, ये काम होता है, और इसलिए हम देश के किसान को भी ताकत देना चाहते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड, यूरिया का निम कोटिंग, आप जानते हैं यूरिया का क्या उपयोग होता था, मैं जरा दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं। दिल्ली वाले बड़े चाव से जो दूध पीते थे ना, उनको पता भी नहीं चलता था कि सही में गाय या भैंस का दूध कौन सा है और यूरिया से बना हुआ सिंथेटिक दूध कौन सा है, पता तक नहीं चलता था। यूरिया का उपयोग खेत में किसानों को मिलने के बजाय देश को बर्बाद करने पर तुले हुए मुट्ठी भर लोग
उसमें से सिंथेटिक दूध बना करके दिल्ली के लोगों तक पहुंचा देते थे। अब हमने यूरिया का नीम कोटिंग कर दिया। अब यूरिया का नीम कोटिंग करने के कारण उसका सिर्फ एक ही उपयोग हो सकता है और वो जमीन में खेत में डालने के सिवाय कोई उपयोग नहीं हो सकता है। बताइए मेरे भाइयों बहनों, करोड़ों करोड़ों बच्चों की जिंदगी हमने बचाई कि नहीं बचाई? बताइए मेरे भाइयों बहनों, करोड़ों करोड़ों बच्चों की जिंदगी बचाई कि नहीं बचाई? एक निर्णय, नीम कोटिंग, यूरिया का नीम कोटिंग सिंथेटिक दूध बनाने वालों के धंधों पर चोट पहुंचा दी और देश के करोड़ों बच्चे जिनको इस प्रकार का यूरिया से बना हुआ दूध पिलाने के लिए मजबूर किया जाता था, उन बच्चों की जिंदगी बचाने का काम एक निर्णय से हमने कर लिया है। भाइयों, ये नोटबंदी भी ऐसी है, एक निर्णय से अच्छों अच्छों का खेल खत्म हो चुका है। कुछ लोगों को लगता था कि बैंक में पैसे डाल दिए तो सफेद हो जाएंगे, ये गलती कर गए। उनको पता नहीं था ये सरकार ईमानदारी की सरकार है, ईमानदारी के लिए सरकार है, ईमानदारों के कारण ये सरकार है। और इसलिए जो सरकार ईमानदारों के कारण हो, जो सरकार ईमानदारी के लिए हो, जो सरकार ईमानदारों के लिए हो, उस सरकार को कम मता किए फंस गए। उनको लग रहा था अब हमने टेक्नोलॉजी से ढूंढ रहे हैं कहां से रुपया आया, कब आया, वो आया था वो कौन था, सीसीटीवी कैमरा में देखा जा रहा है। और आपने देखा होगा धमाधम रुपये पकड़े जा रहे हैं कि नहीं पकड़े जा रहे हैं। पहले कभी देखा था ये लूटने वालों पर हाथ लगाने की किसी की ताकत थी? भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान के हर कोने में जिन्होंने देश के गरीबों के साथ खिलवाड़ किया है उनका हिसाब मैं चुकता कर रहा हूं। भाइयों, मैं जानता हूं इनकी ताकत कितनी है। जो लोग इतनी ताकत रखते हैं, बैंक के अफसरों को भी खरीद सकते हैं, भाइयों बहनों, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे देशवासियों, ये लड़ाई देश के ईमानदारों की लड़ाई है, देश के गरीबों की लड़ाई है, और ये सरकार ये लड़ाई जीत करके रहने वाली है, क्योंकि देश ईमानदारी की लड़ाई जीतना चाहता है। मेरे भाइयों बहनों, ये बात मैं भली भांति जानता हूं, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा कारोबार नोटों का और इतना बड़ा निर्णय, लोगों को क्या कुछ सहना पड़ा है इसका मुझे पूरा अंदाज है। मेरे देशवासियों ने ये जो कुछ भी सहा है देश के उज्जवल भविष्य के लिए सहा है। मेरे देशवासियों ने 8 नवंबर से आज तक भांति भांति के कष्ट झेले हैं, लेकिन मेरे देशवासियों, आपने जो कष्ट झेला है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं झेला है, देश के स्वार्थ के लिए झेला है, देश की भलाई के लिए झेला है। और इसलिए भाइयों बहनों, आपको कभी निराश होने का अवसर नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ ईमानदारी है, पवित्रता है, प्रामाणिकता है। भाइयों बहनों, मैंने पहले दिन से कहा है
कि 50 दिन तक एक कठिनाई, भांति भांति की कठिनाइयां आती रहेगी, कभी कम दिखती होगी, कभी बढ़ती दिखती होगी, 50 दिन तक ये होने वाला है, ये मैंने पहले दिन कहा था। और 50 दिन के बाद ये कठिनाइयां बढ़ना बंद कर देगी, बढ़ नहीं पाएगी, कठिनाइयां कम होने की शुरुआत हो जाएगी, ये मैंने पहले दिन कहा था। आज दोबारा कह रहा हूं भाइयों बहनों, जो लोग एटीएम के ऊपर कतार लगा के खड़े रहते हैं, जो लोग बैंक में पैसे लेने जाते हैं, मैं जरा हमारे विरोधियों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ वो कहते हैं कि लोगों का बैंक में खाता ही नहीं है, खाता ही नहीं है। दूसरी तरफ कहते हैं कि लोग बैंक में पैसे लेने, गरीब आदमी जाता है उसको पैसा नहीं मिलता है। भाई एक चीज तो सच बताओ, एक तरफ कहते हो गरीब का खाता नहीं, दूसरी तरफ कहते हो गरीब पैसे लेने जाता है मिलता नहीं, जनता को गुमराह करने के लिए झूठ क्यों बोलते हो? ये लोग जब मैं कहता हूं डिजिटल ऑनलाइन लेस कैश नीडबेस कैश, भाइयों बहनों एक जमाना था बड़ा चांदी का रुपया होता था तभी बाजार में चलता था, बदलते 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 कागज की नोट तक रुपया आ गया। भाइयों बहनों अब तो वक्त वो आया है कि हाथ लगाए बिना भी मोबाइल फोन से रुपयों का कारोबार किया जा सकता है। आपकी आपकी मोबाइल फोन ही आपकी बैंक बन जाती है। चाय पी करके मोबाइल फोन से पैसे दिए जा सकते हैं, चाय पीने वाले से मोबाइल से पैसा लिया जा सकता है, नोटों के बिना किया जा सकता है। जब मैं ये बताता हूं तो ये लोग क्या कहते हैं, गरीब देश में कहां लोगों के पास मोबाइल फोन है, इस देश में कहां ये है। यही लोग हर चुनाव में ये भाषण देते थे कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे वो हिंदुस्तान में कंप्यूटर युग लाए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे इस देश में मोबाइल फोन लाए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे इस देश के गरीबों के हाथ में उन्होंने मोबाइल फोन दे करके एम्पावरमेंट किया, यही भाषण ये लोग करते थे। लेकिन अब जब मैं कह रहा हूं कि मोबाइल फोन को बैंक बना दो तो कहते हैं मोबाइल फोन है ही कहां, गरीब के पास मोबाइल है कहां, इतना झूठ बोलते हो आप लोग। यही लोग ढोल पीटते थे कि राजीव गांधी ने मोबाइल फोन दिया, अब मैं कहता हूं मोबाइल फोन का बैंक मिलेगा तो कहते मोबाइल फोन है ही नहीं। आप इनको पहचानो एक कितना झूठ बोलते हैं। ये लोग गुमराह कैसे करते हैं, लोगों को भड़काने का काम कैसे करते हैं। भाइयों बहनों ये सरल कारोबार है और भारत सरकार ने देश के गरीबों के लिए एक बहुत अच्छी योजना बनाई है। मैं ये योजना आपको बताता हूं, आप घर घर पहुंचाओगे, घर घर पहुंचाओगे, जोर से बताइए घर घर पहुंचाओगे, हर दुकानदार को पहुंचाओगे, गांव गांव पहुंचाओगे, पक्का पहुंचाओगे। भारत सरकार ने ये ऑनलाइन पेमेंट के लिए, ई वॉलेट के लिए, डिजिटल करेंसी के लिए, मोबाइल बैंक के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। 25 दिसंबर क्रिसमस की गिफ्ट के रूप में इसकी शुरुआत होने वाली है और योजना ये है कि 8 नवंबर से अब तक 25 तारीख तक अगर आपने
अपने डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से कोई खरीदी की होगी, आपने मोबाइल फोन के वॉलेट से कोई खरीदी की होगी, तो उसका एक विशिष्ट नंबर जनरेट होता है। इन सारे नंबरों का 25 तारीख को ड्रॉ निकलेगा, इनाम का ड्रॉ निकलेगा, और 15,000 कम नहीं, 15,000 लोग जिनका नंबर लगेगा उनके खाते में सरकार की तरफ से 1,000 रुपया जमा हो जाएगा। ये काम हर दिन होने वाला है, एक दिन नहीं, हर दिन होने वाला है, 100 दिन तक चलने वाला है। मतलब कि हर दिन नए 15,000 लोग, जिसको एक बार मिल जाएगा उसको दोबारा नहीं मिलेगा, हर दिन 15,000 लोगों को 1,000 रुपया उनके खाते में जाएगा। 100 दिन में 15,00,000 परिवारों में 1,000 रुपया पहुंच जाएगा। दूसरा, 7 दिन के बाद 30 दिसंबर को एक बड़ा ड्रॉ होगा, जिसमें लाखों रुपया के इनाम दिए जाएंगे, और 3 महीने के बाद 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती पर एक बम्पर ड्रॉ होगा, और 8 नवंबर से लेकर के 14 अप्रैल तक जिसने भी इस प्रकार से कारोबार में खरीद बिक्री की होगी उनको करोड़ों करोड़ों रुपयों का इनाम दिया जाएगा। भाई, ये तो हो गया ग्राहक के लिए, लेकिन दुकानदार के लिए भी इनाम है। जो दुकानदार ये मोबाइल फोन से माल बेचता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से माल बेचता है, उसका भी अलग नंबर निकलेगा और उसका भी ड्रॉ होगा, और हर सप्ताह उसको 1,000 रुपयों के इनाम दिए जाएंगे। ये हर सप्ताह होता रहेगा, व्यापारियों को भी इनाम मिलेगा, ग्राहक को भी इनाम मिलेगा। लेकिन ये इनाम बड़े लोगों के लिए नहीं है, ये इनाम छोटे लोगों के लिए है। जो 50 रुपये से ज्यादा खरीद करता है और जो 3,000 रुपये से कम खरीदता है उसी को इसका लाभ मिलेगा। 3,000 से ज्यादा कमा खर्च करने वाले को इनाम की जरूरत नहीं होती है। ये गरीब के लिए है, गरीब के लिए। उसी प्रकार से दुकानदार जिसका साल भर का कारोबार 2 करोड़ रुपए से कम है उस दुकानदार को ही इनाम मिलेगा। बड़े बड़े अरबों खरबों रुपयों के दुकानदारों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। छोटे छोटे लोग, धोबी होगा, मोची होगा, दर्जी होगा, दूध बेचने वाला होगा, चाय बेचने वाला होगा, कपड़े बेचने वाला होगा, किराने बेचने वाला होगा, बिस्किट बेचने वाला होगा, छोटे छोटे लोग, ऐसे छोटे छोटे दुकानदारों को ये इनाम मिलने वाला है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप लोग ये कोशिश करें आपके गांव में भी इनाम आए, आपके गांव के लोग भी मोबाइल फोन से खर्च करने की आदत डालें, व्यापारी भी मोबाइल फोन से लेन देन करना शुरू करें। आप देखिए भ्रष्टाचार और काले बाजारी करने वालों के दिन समाप्त हो जाएंगे। भाइयों बहनों, फिर से कभी देश में काले धन की नौबत नहीं आएगी, फिर से इस देश में भ्रष्टाचार के खेल नहीं हो पाएंगे। ये काम हम सबको मिलकर के करना है। भाइयों बहनों, मैं आज इस कानपुर की धरती से देशवासियों को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। ये लड़ाई जीत हम इसलिए रहे हैं क्योंकि देश के करोड़ों करोड़ लोगों ने आशीर्वाद दिए हैं।
ईमानदारी की लड़ाई आगे इसलिए बढ़ रही है कि करोड़ों करोड़ों गरीब देशवासियों ने, मध्यम वर्गीय लोगों ने, ईमानदार लोगों ने देश के लिए कष्ट झेला है। घंटों तक कतार में खड़े रहे लोगों ने आकर के उनको उकसाने की कोशिश की, राजनेताओं ने भड़काने की कोशिश की, भांति भांति की बातें चलाई गई, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, पूरा हिंदुस्तान ईमानदारी के साथ खड़ा रहा। इससे बड़ा किसी देश का सौभाग्य नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, मैं मीडिया के मित्रों से भी आग्रह करता हूं, मैं पत्रकारिता जगत से भी आग्रह करता हूं, मैं इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड से भी आग्रह करता हूं, लिखने पढ़ने की ताकत वालों से भी आग्रह करता हूं, आप दुनिया को बताओ ये 125 करोड़ का देश, कई लोग ऐसे हैं जिनको स्कूल कॉलेज जाने का सौभाग्य नहीं मिला है, अशिक्षा है, गरीबी है, उसके बावजूद भी 125 करोड़ का देश ईमानदारी की लड़ाई के लिए, कष्ट झेलने के लिए तैयार हुआ है। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा अजूबा है। दुनिया में कहीं ये संभव नहीं हो सकता जो मेरे देशवासियों ने करके दिखाया है। उनके जितने गीत गाए उतना कम है, उनके जितने गुणगान करे उतना कम है, दुनिया को भारत की ताकत का परिचय कराए उतना कम है। और इसलिए मैं बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं कि भारत के गरीब ने, भारत के अनपढ़ व्यक्ति ने, भारत के ईमानदार व्यक्ति ने जो ताकत दिखाई है, उससे जरा दुनिया को परिचय करवाइए। ये मेरे देश की ताकत है, इसी ताकत से देश आगे बढ़ने वाला है। भाइयों बहनों, जब अच्छा करते हैं तो तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है और तप झेलना भी पड़ता है। मेरे देशवासियों ने अद्भुत कमाल की है भाइयों, अद्भुत कमाल की। इतिहास इस घटना को इसलिए याद नहीं करेगा कि कौन प्रधानमंत्री था और किसने निर्णय किया था, इतिहास इस घटना को इस रूप में देखेगा कि 125 करोड़ का देश ईमानदारी के लिए कैसे खड़ा हो गया था। यह इतिहास दर्जित करने वाला। इस लड़ाई का विजय किसी प्रधानमंत्री का नहीं है, इस लड़ाई का विजय किसी दल का नहीं है, इस लड़ाई का विजय किसी सरकार का नहीं है, यह लड़ाई का विजय ईमानदार देशवासियों का विजय है, ईमानदारी का विजय है, ईमानदारी पर देश को आगे ले जाने की लड़ाई का विजय है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने जो आशीर्वाद दिया है, इसको मैं शत शत नमन करता हूं। मुझे फिर एक बार भाइयों बहनों, मुझे बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए, ईमानदारी की लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए, बेईमानी खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, काला धन मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए, काला धन के कुबेरों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, देश का शुद्धिकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप मुझे दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप ही की ताकत के बदौलत, ये देश जीतने वाला है, ये देश ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला है। भाइयों बहनों, आओ हम मिलकर के आगे बढ़े और जो सपना लेकर के निकले हैं उस सपने को पूरा करके रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं।